गुड़गांव में भी कई जगह जो है इस तरह की घटनाएं सामने आई। सर, इन्वेस्टिगेशन आप लोगों की कहां तक पहुंची है, कौन कौन सी घटना में कितनी FIR हुई हैं, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? देखिए, नू की घटना को जो अंजाम दिया गया था वो 31 जुलाई को दिया गया था। उसके बाद कुछ चीज़ें एस्केलेट हुई नियर बाय एरियाज़ के अंदर। गुड़गांव उनमें से एक था, क्योंकि बीइंग ए नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, गुड़गांव के अंदर भी कुछ छुटपुट घटनाएं जरूर रिपोर्टेड हुई हैं। जिस दौरान गुड़गांव टिल द डेट, आज 3 अगस्त है, टिल द टाइम जो अभी है वो लगभग 22 FIR रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। ऐसे जो भी इंसिडेंट रिपोर्टेड हुए हैं गुड़गांव के अंदर, सभी के ऊपर गहनता से मॉनिटर करा जा रहा है, उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करा जा रहा है, और केसेज हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड इन नंबर ऑफ 22, जिसके अंदर अभी तक गुड़गांव पुलिस ने जो इन केसेस FIR रजिस्टर्ड हैं उनके अंदर 21 आदमियों को अरेस्ट कर चुकी है। प्रिवेंटिव अगर एक्शन की बात करी जाए तो लगभग 42 आदमियों को प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। सर, फिलहाल क्या सिचुएशन है गुड़गांव में, और पिछले 24 घंटे की बात करें, कई सारे वीडियोज़ और र्यूमर्स जो हैं वो चल रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी ऐसे र्यूमर्स हैं, काफ़ी ऐसे वीडियोस पोस्ट करी जा रही हैं जो शायद कहीं और दूसरी जगहों की भी हैं। कुछ ये जरूर मानते हैं कि नू मेवात के अंदर और कुछ संबंधित कुछ गुड़गांव के एरियाज़ में ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करी गई है, हुआ है, लेकिन बहुत गुड़गांव के अंदर बींग ए नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नू, कुछ जिस तरीके का 31 और 1 के आसपास जो एस्केलेट हुआ था वो सभी जितने भी घटनाक्रम थे उनके ऊपर काबू पाया गया है। संबंधित के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड करी गई है। ऐसे मिसक्रिएंट्स जो लोग खासकर ऐसी एक्टिविटीज़ में इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे थे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करी गई है, लोगों की पहचान करी जा रही है, अरेस्ट करे गए हैं, लोगों को डिटेन करा गया है। लेकिन हम ऐसे किसी भी, हम मैं आपकी तरफ से ये एक माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूँ, आम पब्लिक को सूचित करना चाहते हैं कि हम हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ नहीं हैं, हम उनके खिलाफ हैं जो लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के अंदर ये रोष आ रहा है कि पुलिस एक तरफा को अगर कहीं पर कोई कार्रवाई कर रही है, तो पुलिस के लिए कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं है, पुलिस के लिए सब हमारी, हम पुलिस की जो पुलिस के बिहाफ पे जितनी भी जनता है, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, हम सबकी सुरक्षा के लिए ये कार्रवाई करते हैं। हम प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं तो किसी की सुरक्षा के लिए ले रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी तरीके से लोग गलत रिमर्स फैलाएं कि पुलिस किसी पर्टिकुलर समुदाय विशेष के लिए काम कर रही है। पुलिस काम कर रही है सिर्फ किसी भी इलीगल एक्टिविटी या घटनाक्रम को रोकने के लिए। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि पुलिस बिल्कुल संवेदनशील होकर इन चीज़ों के ऊपर एक्टिविटी करे, अपनी कार्रवाई करे। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल हम वार्निंग देना चाहते हैं सख्ताई से, अगर जो लोग भी इस तरीके की गैरकानूनी गतिविधियों में पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय विशेष के हों, उनके खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई करी जाएगी, उनको आइडेंटिफाई करा जाएगा और पुलिस बिल्कुल सख्ताई से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर, इसके अलावा जो भी है इसको लेकर क्या खास आप लोगों की तैयारियां हैं, गुड़गांव में कितनी कंपनीज और कितनी फोर्स लगी है? जुमे की नमाज हमेशा से यहाँ अदा होती आई है और गुड़गांव पुलिस के बिहाफ पर हमेशा से इंतमाज होते रहते हैं, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रहते हैं हमेशा से रहते हैं, और वो खाली जुम्मे की नमाज़ के लिए नहीं, वो ऐसे कुछ भी इस तरीके के कुछ इवेंट्स आते हैं उनके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हम जारी करते हैं, और एज़ यूजुअल जो हमारे नॉर्मल जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स रहते हैं उसके तहत हम अरेंजमेंट्स करते हैं, हमेशा से होते आए हैं। लेकिन अभी मौलाना साहब ने भी एक अपील करी है कि जितने मुस्लिम समुदाय से लोग हैं वो अपने घरों से उस चीज़ के लिए नमाज अदा करें, लेकिन गुड़गांव पुलिस की तरफ से ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हम नहीं करेंगे। आप कहीं पर भी कर सकते हैं, अपने उससे कर सकते हैं, लेकिन एहतियातन इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि सद्भाव की भावना बनी रहे। हम हिंदू पक्ष, हिंदू समुदाय से भी अपील करेंगे कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधियों को कुछ अंजाम ना करें और आपसी भाईचारा और सद्भाव बनाए रखें, यही अपील करना चाहते हैं। इसके अलावा सर, पलायन भी गुड़गांव के कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर शुरू हो गया है, लोग छोड़ छाड़ के जा रहे हैं यहां से, तो क्या लोगों में डर है और पुलिस के पास क्या जानकारी? देखिए, कुछ ऐसी जानकारियां जरूर आई हैं जो अपने खुद अपने बिहाफ पर कुछ लोग अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम दोबारा से अपील करना चाहते हैं, हम लगातार पिछले 2 दिनों से यही अपील कर रहे हैं कि गुड़गांव आपके लिए सेफ़ है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए। हमने ऑलरेडी अपने नंबर्स फ्लैश कर रखे हैं, गुड़गांव पुलिस कंट्रोल रूम से आप संपर्क कर सकते हैं 112 नंबर डायल करके। आपको किसी चीज़ की रिपोर्ट करना है, आपको किसी चीज़ की असिस्टेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, आप सिर्फ 112 नंबर मिलाइए, विद इन 5 मिनट्स गुड़गांव पुलिस आपको रिपोर्ट करेगी। फ्लैग मार्च वगैरह करी जा रही हैं, लेकिन अब जो स्थिति है बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, पुलिस हर जगह मॉनिटर कर रही है, नाकाबंदी हो रही है, ऐसे लोगों की चेकिंग कर रही है, आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग ऐसी एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। तो इस प्रकार से पिछले 24 घंटे में तो कोई घटनाक्रम ऐसा सामने आया भी नहीं है। तो मैं दोबारा से यही अपील करूँगा आम जनमानस से, अपने गुड़गांव के जितने भी लोग यहाँ पर रिहायशी हैं, चाहे वो प्रवासी हैं, चाहे वो यहाँ के मूल निवासी हैं, किसी भी प्रकार का कोई भय का वातावरण नहीं है, पुलिस अच्छे से मॉनिटर कर रही है, आपकी सुरक्षा और
सेफ्टी की हम जिम्मेवारी लेते हैं, और आपके माध्यम से हम ये अपील भी बार बार करना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भय मुक्त रहिए, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटनाक्रम नहीं होने देंगे हम।